स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है 10th क्लास में, खासकर कैसे इसको सॉल्व करना है। सिंबल आपको पता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, की का सिंबल क्या है, बल्ब का सिंबल क्या है, कनेक्टिंग वायर का सिंबल क्या है। सिंपल, एक स्ट्रेट वायर लाइन बना हुआ कनेक्टिंग वायर है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, हमने कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। इसका मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। कनेक्टिंग वायर में कहीं पर भी पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ पोटेंशियल इन कनेक्टिंग वायर, मींस सेम पोटेंशियल रहने वाला है। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस यानी V सेम रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। याद करने का तरीका बताता हूं आपको, पैरेलल में कैसे सेम रहेगा। V I P U L रिपुल रिपुल V सेम रहेगा पैरेलल में। खत्म। मास्टर पढ़ा रहा तुमको यार विपुल। V सेम रहेगा पैरेलल में, बाकी फिर समझ जाओ करंट सेम रहना है सीरीज में। और इसको एक तरीका बताता हूं समझने का आपके लिए। आपको ऐसे ध्यान रखना है, सीरीज में वायर जो होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं, देखिएगा समझिएगा। ये सभी वायर सीरीज में है। अब अगर देखो, यहां से अगर इस पाइप से कोई पानी, समझो पाइप है, यहां से अगर कोई पानी जाएगा तो सेम पानी इसमें जाएगा, सेम पानी तीसरे में जाएगा। मींस अगर यहां से कोई करंट जाएगा तो सेम करंट दूसरे में, सेम करंट तीसरे में। ये सब सीरीज में है, तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सेम, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज ड्रॉप अलग है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर अगर होता तो सेम पोटेंशियल लेता हर जगह। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो वोल्टेज गिराएगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रहा है, यानी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, थोड़ा लो कम होते जा रहा है, उधर को ड्रॉप हो रहा है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर लगेगा किसी के पैरेलल में, ऐसा लगता है किसी पॉइंट्स के बीच वोल्टेज निकल रहे हैं, ये पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? देखिए, यहां से अगर कोई पानी आ रहा है तो बट गया। पानी बटना मतलब करंट बटना, करंट बट रहा है यानी सेम नहीं है। सेम कब होता है? सीरीज में। बट गया इसका मतलब ये सीरीज नहीं है, क्या है? पैरेलल, पैरेलल है ये। और देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम है। पहले वायर के भी दो एंड ये हैं, दूसरे वायर के भी दो एंड ये हैं, दोनों एंड पे एक ही वोल्ट मीटर लगेगा तो वोल्टेज सेम रहेगी। इसकी भी 10, इसकी भी 10 वोल्ट। अच्छा, वोल्ट मीटर को थोड़ा और दूर लगा लो। यहां पे अगर मैं लगा लेता हूं वोल्ट मीटर को, फिर क्या होगा? तब भी वोल्टेज वी ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें वोल्टेज कम नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अगर बीच में रेजिस्टेंस होता तो चेंज हो जाता। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल बिल्कुल चेंज नहीं होता, सेम रहता है। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, सेम पोटेंशियल रहेगा। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, क्योंकि पैरेलल में पॉइंट सेम होंगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्ट मीटर एक ही लगेगा। Thank you.